नमस्कार। आपने घड़ियां तो बहुत देखी होंगी। आज मैं आपको गणित की एक घड़ी दिखाता हूं। जी हां, गणित की घड़ी, जिसमें केवल और केवल गणित सीखेंगे हम। आइए देखते हैं। जी हां, यह है गणित घड़ी। इस घड़ी में आप देखेंगे, जैसा आम घड़ियों में आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक, वैसे हमने नंबर्स नहीं लिखे हैं। यहां आपको इस घड़ी में समय देखने के लिए थोड़ा सा गणित हल करना होगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये है a की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0, वो नंबर 1 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी यह है 1। कोसिकेन 30, कोसिकेन 30 की वैल्यू होती है 2। √9, √9 की वैल्यू होती है 3। क्यूब रूट 64, 64 का क्यूब रूट होता है 4, क्योंकि 4 × 4 × 4 होता है 64। 1² + 2² 1² is 1 and 2² is 4, सो 1 + 4 is 5, तो यह है 5। 3 factorial, गणित में फैक्टोरियल का मतलब होता है 3। फैक्टोरियल का मतलब है 3 से छोटे वाले सभी नंबर्स को आपस में गुना करना। जैसे 3 factorial मतलब 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6, सो ये 3 factorial का मतलब होगा 6। √9 + √16, 9 का रूट है 3, 16 का रूट है 4, तो 3 + 4 ये है 7। 2 √2² √2² होगा 2, 2² होगा 4, 4 × 8, सो ये है 8। 5² - 4² 5² = 25, 4² = 16, सो 25 में से 16 गए 9, तो ये है 9। 9 + 9/9, 9 से 9 कटेगा तो 1, 1 + 9 हो गया 10, तो यह जो है यह संख्या 10 को दर्शाता है हमारी घड़ी में। ये है √121, 121 का रूट होता है 11, और यह है 6 × 2, 6 × 12, तो देखा, गणित के कई प्रश्नों को हल करने से यह बनी है हमारी एक अनोखी गणित घड़ी। इसी प्रकार से और कई सारे सवालों का प्रयोग करके आप और तरह की घड़ियां बना सकते हैं। मैं एक गणित की घड़ी आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, ये इसी प्रकार से हमने मिकी डोनाल्ड की मिनी की का प्रयोग करके यह हमने एक गणित की घड़ी बनाई है। और इस गणित की घड़ी की सबसे खासियत बड़ी यह है कि आप देखेंगे इस गणित घड़ी में हमने 9 के अलावा और किसी संख्या का प्रयोग ही नहीं किया है। मैं अपने साथी को कहूंगा इसे थोड़ा जूम करके दिखाएं। इस पूरी घड़ी में कहीं भी 9 के अलावा किसी भी संख्या का प्रयोग नहीं किया गया है। सो 9 को ही अलग अलग तरह से दर्शाने पर ये अलग अलग संख्याएं बन जाती हैं। तो देखा आपने, घड़ियां बहुत सी हैं। कुछ अनोखी गणित की घड़ियां हमने यहां अपनी लैब में बनाने की कोशिश की है।